मटर पनीर की सब्जी और वो भी बनेगी बहुत टेस्टी। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, ये देखिए ये पनीर है हमारे पास, आप ये नमक है, ये मटर है, ये टमाटर है, ये हमारा खड़ा मसाला है, आप सभी जानते होंगे खड़ा मसाला, तो ये खड़ा मसाला है, ये मिर्ची है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक है, मसाले हैं और आपका ये हींग है, हल्दी है, स्टार्ट कर दिया है। ये हमने अपनी कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें अपना पनीर डालेंगे, हमारा पनीर फ्राई होगा। नमक डाला है और एक तरफ पनीर फ्राई हो रहा है हमारा, हम पानी देखिए, अभी हमारा पनीर बिल्कुल फ्राई हो चुका है हल्का ब्राउन में, और हम इस पनीर को जो बॉईल किया हुआ वाटर था उसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। अभी हमारा मटर देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुका है, हल्का फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज ऐड कर दिया हमने, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें टमाटर बिल्कुल ऐड कर दिया है, सारे मसाले हमारे फ्राई होंगे, हमारे मसाले अब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, एक से दो मिनट में इनको निकालने वाले हैं। अब हमने अपने मसाले को निकाल लिया है, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इसे मसाले को तेल छोड़ लेकर हम इसे पकाएंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है, अब हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं, और हमने जो साइड में पानी और पनीर एक साथ मिक्स करा था बॉइल्ड पानी में, वो हम ऐड कर रहे हैं अब सब्जी में अपने। आप देख सकते हैं अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे बहुत ही जल्दी सर्व करने वाले हैं। ये सब्जी देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, खाने में इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है।